अनिमन ओ जा अनिमन कहाँ है सेठ जी? हाँ जाओ अंदर और सुनाओ। अबे और सुनाओ चलो फिर चलते हैं अपने पैराडाइज रूम में। चलो ठीक है और सुनाओ रोटा। अरे सेठ जी यहाँ तो बवाल तो कटे फिर अपने दोनों शादी कर लेंगे। उनसे पीछा खत्म हो जाएगा, जिंदगी खराब कर दी सेठ जी ने समझे। अपना पीछा उनका खत्म हो जाएगा। बहुत दिन हो गए ऐसी बातें करते करते। बन के दिखावे सेठ जी भी यहाँ पर तो रुखसाना भाभी गुल खिला रही है सेठ जी। तुम अभी और सुनाओ सोनू भाई। हाँ तुम्हारे यहाँ भी लॉकडाउन लग गया? हाँ हमारे यहाँ भी तीन दिन तक लग गया। चलो ठीक है। सेठ जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मामला है भाई सोनू भाई, कैसे हाँप रहे हो? अरे कुछ नहीं, तुम्हें एक बात सुनानी है। क्या सुनाना है सुनाओ। तुम्हारी रुखसाना कहाँ है? वो तो घर पे है। घर पर है? हाँ अरे घर पर है। अरे सद्दाम भाई के साथ फिर भी पार्क में मौज ले रही है। क्या कह रहा है? सही कह रहा हूँ, आओ मैं दिखाऊँ। अच्छा हाँ अगर ये बात सही है तो देख आज अक्कल उठेगा फैल दूंगा पार्क। हाँ देखो लो अब अपन दोनों सोचते हैं कोई शादी के बारे में। बात करते थे मैं तुम अपने बारे में। जैक जी थे ऐसे ऐसे लो देख लो। बहुत बदनामी उठा ली हमने और सोचे जी से पीछा भी खत्म हो जाएगा। डाली मैं मर जाऊंगा तो शादी करूंगा, तेरे बिना नहीं जी सकता डाली। शादी करेगा ना शादी। मैं कराऊंगा शादी तेरी। चल तू आ अपन आऊंगा तुझे तेरी बहन की लंगाड़ी छोड़। अब बताऊंगा तुझे तेरी बहन की लंगाड़ी छोड़ो तेरी की। अब करवाऊंगा नाक कटना कहते हैं इसके लिए। सोनू भाई बीवी नेक हो एक हो। हाँ इसका मतलब हमें तो रुखसाना भाभी की पता है और कितनी है तुम्हारी। मेरा मतलब ये नहीं है सोनू भाई, मेरा मतलब ये है अगर बीवी नेक होती है तो एक ही घर को चला देती है। ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे मेरी हुड़क नहीं है रुखसाना। घर की बीवी अगर गलत तरीका अपना ले तो समझ लो नाक कट जाती है सौर की। वही हुआ यार मेरे साथ में। अच्छा कटवा ली मेरी नाक यार सोनू। मैंने उसके लिए क्या कहना किया, टेम पे लाली टेम पे क्रीम पाउडर खुड़कने को कोई चीज ऐसी ना छोड़ी जो थोड़ा पोतने के लिए लागे नहीं देता। तारी ने फिर भी सद्दाम भाई से चक्कर चला लिया। याद रखेगी 7 जन्मों तक। इतने यार सोनू भाई बहुत समझदार हो तुम, एक काम करना किसी से जिक्र मत करना। लाखों में लग रहा है तू तो जिक्र ही ना करेगा किसी को। भरोसा है ठीक है मालूम है तू
भरोसेदार आदमी है, नहीं करना किसी से। ठीक है चलो, ठीक है चलो फिर, ठीक है चलते हैं और चाय पिलवाती है तुम्हारी। अरे ना भाभी पी के आया। अरे पी लियो और पी लियो यार। नासिर भाई तुम्हें पता है तो हो गया भूलो तो कुछ सुद्धम भाई के साथ ना रुचना भाभी का चक्कर चल गया। छह चक्कर चल गया उनका तो कब से है? अरे पति ना काफी चल गया, मुझे तो कल पता चली। अच्छा तुमने सेठ जी को बता दिया ना? अरे सेठ जी ने भाई को पदीना का मैंने कुत्ता मारा रुपना भाभी को। अरे हमें ना पता यार, सेठ जी की भाई कितनी बात है यार। उधर उधर हर कई घड़ी से पूछ रहा तुम सेठ जी कितने अच्छे ने हैं, सेठ जी की रुसाना कितनी अच्छी है, बहुत ज्यादा वापिस है। और दूर की जगह में पहुंची सेठ जी की भाई। हां रुसाना भाभी ने ना कटा दी। हां यार बस नजर भाई किसी से बताएंगे जरूर, नहीं बताएंगे बिल्कुल नहीं बताएंगे किसी से भी। उम्मीद है तुमसे बस। बस ठीक है यार, हम तो समझते हैं शेख जी इतने अच्छे हैं, रुखसाना भी अच्छी होंगी। हम जब भी उनके घर जाते थे हमें प्यार से बोलते थे कि देखो भैया जी चाय पी लो, भैया ये पी लो, ये वो कर लो। उन्होंने यार तो समझते हैं यार, उन्होंने तो यार शेख जी की नाक कटा दी यार। बताए यार क्या करें यार, ऐसी भी औरतें पड़ी हैं हमारे शहरों में यार। शामिल हाँ, पूरे 3 महीने हो गए, पूरा लॉकडाउन खत्म हो गया लेकिन शेख चिल्ली कहीं दिखाई नहीं दे रहा यार। अबे यार सौरभ कह तो तू सही रहा, पता नहीं आजकल कहाँ रह रहे शेख जी। साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जान। ठीक है? बढ़िया है भाई जान, आप बताइए। हम भी बढ़िया है, और सुनाइए। बस यार शेख जी नहीं दिखाई दे रहे आजकल, कहाँ रह रहे हैं? तुम्हें ना पता है क्या? अरे शेख जी के घर में ना बहुत बड़ा लफड़ा हो रहा है। लफड़ा? हाँ। अबे ऐसा कैसा लफड़ा हो रहा? सद्दाम भाई के साथ ना रुखसाना भाभी का चक्कर चल रहा है। अबे यार क्या बात कर रहा? अरे मेरे जीत ना मानने आ रहे तुम जाके अरे यार तुम खुद ही देख लियो। मैं कहाँ दिखाऊंगा? आओ मैं दिखाऊं। चल चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो शामिल भाई, सौरभ भाई बैठो। बस एक चीज हम क्या सुनने हैं? क्या सुना? अरे मैंने सुना रुखसाना भाभी का चक्कर सद्दाम से चल रहा। हाँ ये इस हरामखोर ने बता दिया होगा तुम्हें। हाँ ये बात सच है सेठ जी। हाँ यार भाईजान ये बात बिल्कुल सच है। बड़ा मारा इसे मैंने रास्ते में, बहुत मारा। उसका तो बहुत कुछ लिया ये। तू तो कह दिया था क्या नाम है, मैं किसी से जिक्र ना करूंगा और तूने सब में जाके कह दिया। सौरभ भाई दुनिया में मेरा नाम था, आज इस हरामखोर ने मेरी नाक कटवा दी है। चलो इस बात को छोड़ो, मूड फ्रेश करते हैं और कुछ गाने पाने सुन लेते हैं, तुम्हारी टेंशन से थोड़ा निकल जाओगे। चलो नहीं सौरभ भाई तुम सुन लो गाना, मुझे नहीं सुननी है गाने। चलो सेठ जी हो जाएगा, चलो सुनो तो मूड फ्रेश हो जाएगा आपका। चलो ठीक है तुम कहते हो, चलो मैं चलता हूँ आपके साथ। चलो उनकी ही बीवी का चल रहा है चक्कर गली के सद्दाम हुसैन से। अब ये तो मेरी इज्जत भी जला के निकाल रहा है हरामखोर। मेरे सब बंदा और उन्हें ही बना दिया है चक्कर। आइए मिलते हैं शेख जी से। शेख जी रिमोट खराब हो गया है, दिखाइए ना दिखाइए। अब बंद करो, सारा सामने खबर पड़ जाएगी। ये तो हो ही गया बंद। चलो सेठ जी चलो।
करोगे? तुमने समाचारों तक में तुम्हें बात नहीं करनी है? बोलिए मत, किसी को दुनिया में मेरा भंडारा खोल कर फेंक दिया हराम को। बोलिए मत करिए। काला कलवा काली रात मैंने भेजा आधी रात उस परी को जगा के ला, चलती हो तो तोड़ा के ला। बड़ी बड़ी माता होती है, बड़ी बड़ी बहनें होती हैं। निकाल यार। आ जाते हैं साले उल्टी सीधी शक्ल के। कौन नहीं जानता बच्चा, ये तो शेख चुल्ली है, पूरी दुनिया में मशहूर है, इसलिए आया ना। बाबा मेरी एक समस्या है। क्या समस्या है बता। बाबा मेरी बीवी का चक्कर जिन लड़के से चल रहा है। ना। ना। आएगा चक्कर भोन खुल के भोन। बाबा मेरा मतलब है मेरी बीवी दूसरे से हिलक गई है। तो हमसे क्या चाहता है? अरे सुचली। हाँ बाबा। तेरी क्या समस्या है हम बताते हैं। तेरी समस्या यही है क्या? कल तक तेरी रुखसाना इस कमरबंद को पकड़ के चलती थी, आज वो किसी और के पकड़ती है। तेरे कमरबंद में तो आज भी वही जलाल है। ठीक है मैं एक चीज ऐसी देता हूँ तो तेरी बीवी तेरे कब से मिलेगी, तो जिधर जाएगा वो उधर जाएगी। ले ये अपनी बीवी को खाने में खिला देना। जा। ठीक है बाबा। हमने डॉनी पहलवान की बीवी ऐसी कर दी, वो भी अपने घर को समझी और बड़े बड़े आए और हमने सबके पहले कर दिए। जा बच्चा जा। बाबा अब तो ना चलाएगी काई से चक्कर। रह तू अपने घर की कर धिक्कार। चल ठीक है बाबा निकलता हूँ। जा। 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 फर्जी बाबा यार बेवकूफ नहीं बना रहा है मुझे। चौकी बाबा भी बहुत हो गए आज पर। एक बार और पूछता हूँ आरामखोर से। बाबा नाश्ते में खिलाओ या लंच में? कह दिया ना रोटी में खिला दे। ओबे यार सोते पे खिलाऊं या जागने के बाद खिलाऊं? एक बार पूछ लेता हूँ बाबा से। बाबा बाबा सोने के बाद खिलाऊं या जगने के पहले? रोटी में खिला दिया तुझसे कितनी बार कह दिया। रोटी में तो खिला दूंगा बाबा, लेकिन सोने के बाद या जगने से पहले? अरे तुझे जब अपनी बीवी पे विश्वास नहीं तो बाबा पे क्या करेगा? ठीक है बाबा खिला दे रही हूँ।
हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और लाइक और शेयर तो जरूरी कर देना। हेलो भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शेख चिल्ली। तुम तो जानो ये हराम खोरो, तुम भी बता दो हराम खोरो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं आपका फिदा वारसी, जाना पहचाना कलाकार जो बड़े बड़े सर्कसों में हमारी टीम जाती है। मेरी आपको कैसी एक्टिंग लगी आप कमेंट में जवाब देना, घंटी बजाना, सब्सक्राइब करना। ओके तो दोस्तों, मैं आपका शामिल हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ चौधरी। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर बहुत खतरनाक खतरनाक वीडियो देखने को मिलेंगे अब न्यू शेक चिल्ली जी के साथ। ओके, लगे रहो इस चैनल पर। हरामखोर, बात तू भी तो बता दे छोटा शेक चिल्ली। ठीक है, बाय। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना और ये हमारी टीम है, इस टीम को आगे बढ़ाने में आपका ही हाथ रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्लीज सपोर्ट करना दिल से। बाय।